उत्तर प्रदेश मतलब यूएफटी, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ यूएफटी न्यूज 24 पर। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कासगंज पुलिस ने 21 नवंबर को गायब हुई बालिका का शव किया बरामद। मामला जनपद के थाना सेड़पुरा के मोहल्ला इस्लाम नगर का है, जहां कुमारी जोया पुत्री गुलजार अहमद उम्र 6 वर्ष बीते 21 नवंबर को घर के बाहर से गायब हो गई थी। काफी प्रयास के बाद भी बालिका नहीं मिली, साथ ही परेशान परिजन भी किसी अनहोनी घटना को लेकर चिंतित थे। परिवार वालों ने गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने अपहरण की आशंका के चलते थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थाना पुलिस को नाले में बालिका का शव की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस बल के थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे, जहां 6 वर्ष बालिका की लाश मिली। जिलाधिकारी आरपी सिंह एवं पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ल व सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर में इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार शुक्ल ने शीघ्र टीमें गठित कर रासफाश करने का आश्वासन दिया। थाना सड़पुरा क्षेत्र में बच्ची का शव मिला है, क्या कहने संबंध में? एक बच्ची है जो है 6 साल की है, पिता का नाम गुलजार अहमद है, निवासी इस्लाम नगर शेखपुरा थाने पड़ता है। कल शाम को बच्ची खेलती देखी गई थी रात्रि 8 बजे तक, उसके बाद से वो गायब हो गई। घर वाले ढूंढते रहे उसको, रात भर ढूंढे, सुबह जब उनको नहीं प्राप्त हुई तो थाने के उन्होंने बताया तो मुकदमा उनका अंडर सेक्शन 363 IPC 2A/18 दर्ज किया गया और उसमें कार्रवाई शुरू की गई। तब तो सूचना आई कि 2 बजे के आसपास उसकी लाश कस्बे के बाहर नाले में मिली। हम लोग मौके पर अभी गए थे, मौके से ही लौटे हैं, हम भी थे, DM भी थे। उसका गला कसा गया है किसी साल वगैरह से। बच्ची फ्रॉक पहने हैं और 6 साल की उसकी उम्र है, कहीं कोई चोट चपेट नहीं था और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर होगी। कोई दुर्व्यवहार वगैरह नहीं हुआ है इस लाइन पर भी हम लोग पोस्टमार्टम में अपनी रिपोर्ट देख कर उसको कराएंगे। और एक व्यक्ति का संदेह भी पाया गया, लोगों ने बताया, उसकी गिरफ्तारी के लिए फोर्स भी भेज दिया गया है। मौके पर शांति है। मैं एडिशनल SP, DM भी मौके पर आए थे, अभी चले गए हैं, सब लोग मौजूद हैं, पूरी कार्रवाई करा रहे हैं। राहुल तिवारी की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब यूएफटी, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ यूएफटी न्यूज 24 पर।